कौन मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहस्त रहे, बस तरह आबाद रहे, शाद रहे। सदा मेरी दुआ होती है जी। ये रहा वसीम की भैंस। और जी हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पर। चलो आज भी जाना है मेरे पर, पहले तो जाना है भाई मुझे भाई यासिन की कब्र पर और अबू की कब्र पर, उसके बाद जो है ना मेले पर जाएंगे इंशाल्लाह। हम आ गए कब्रिस्तान और मेरा पापा मेरे दादा की कब्र पर आया हुआ है। अब दुआ मांगते हैं। यूट्यूब फैमिली, मेरा पापा दुआ मांग रहा है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली है, भाई और अब्बू की कब्र है और ये मेरे बड़े भाई की कब्र है यहाँ। तो आज दुआ मांगते हैं जी, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वसीम और मैंने दुआ मांग ली, पानी भी डाल लिया और चल रहे हैं। तो फिर आगे की जो रूटीन ही दिखा, यहाँ पर हरियाली भी बहुत है और ये कब्रिस्तान का छांव भी है ऊपर। तो अब सबसे इल्तजा है मेरे भाई और अबू के लिए, सब दुआ करें अल्लाह ताला ने जन्नत अल-फिरदौस अता करें। मेरे जो फौजशुदा है, मेरे ख़ानदान सब के, अब भी जितना भी फौजशुदा है सबको अल्लाह ताला जन्नत अल-फिरदौस अता करें। देखो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो ये रही जी मस्जिद मेरी वालदा ने जो बनवाई थी। और हम जब आता हूँ विलेज तो फिर भी यहाँ की ज़्यारत ना करके जाऊँ तो नहीं रह सकता इंसान भाई। तो ये कुछ अंदर के मंजर है मस्जिद के, तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए भी नमाज भी पढ़ी और सब बंदा है जो नमाज़ पढ़ सकता है आके, और कुरान पाक भी पढ़ा है थोड़ी देर, बंदा के कुरान पाक पढ़ लेता है। सब मेरी वालदा के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल-फिरदौस अता करे। तो उसकी तमन्ना थी भी यहाँ मस्जिद बने और लोग आते जाते यहाँ आके नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ नलका भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए, सब वज़ू बना बना करके आके नमाज अदा कर सकता है। और साथ रोड भी है, आने जाने वाला बंदा भी नमाज़ पढ़ सकता है। अब तो हम शहर चले गए भाई, पहले तो हम ये सबसे एक साथ तो नमाज पढ़ते। ड्यूटी फैमिली कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह करे आप भी ठीक हो। चलो जी, तो वसीम भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में इसको भी घुमाऊंगा फिराऊंगा। तो आज मेरे ख्याल में हम कल इसको मेले के लिए कहा तो आज भी कहा, क्योंकि आज मुझे जाना था भाई और बाप के पास। आज विलेज गया, मैं गाँव गया, उधर घूम फिर के अभी आया हूँ। तो अभी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज इसको मैं ले जाऊं और घुमाऊं फिराऊं भी। ये उदास है कि मैं घुमा फिरा के आऊँ बेस है, वो वहाँ पर मेला हमारे होता है खाजे साहब का, वहाँ चल के आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ। तो दिखाऊंगा भी आपको चोलिस्तान, ऊँट भी होते हैं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली अलग रहस्त रहे, बस तरह आबाद रहे, शाद रहे जी। बहुत सारी परेशानियाँ हैं आप लोगों को शेयर करनी थी, क्योंकि एक तो जो है ना वसीम वहाँ नहीं रुका मेरे पास कराची, पढ़ने लगा तो लेकिन फिर उसको याद आ गई विलेज की, मैं विलेज जाता हूँ। तो खैर भाई, अब जो किसी से बच्चा मांगा हुआ होना होता फिर वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी की जाती, तो उसे मुझे पहुँचाना था, पहुँचाया। और अब कह रहा है कि मुझे मेले पर घुमाओ, यहाँ एक मेला होता है रोही चोलिस्तान में ख्वाजा का मेला, तो उस होता है 21, 22, 24 तक, 23 तक। तो खैर वो भी इसको घुमाना है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ भी आज यही से ले जाऊँ और खुश हो जाएगा। कुछ पहले लगा हुआ ही मेला तो वो करते हैं। और भाई आप, दूसरी बात ये है कि भाई मुझे मेरी सैलरी नहीं आ रही दूसरे महीने से, दो महीने माँ हो गए तो वीडियोस नहीं चलती और सैलरी भी इसलिए नहीं आई मेरे ख्याल में। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को यूँ हंसता बसता रखे, बादशाह रखे। तो दूसरी जी, मैं कल भी कहा था आप लोगों को, और भाई जो मेरे बड़े भाई की बात करते हैं ना, मैं फिर भी उन लोगों को रोक रहा हूँ भी मेरे बड़े भाई को गाली देना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि वो बहुत ही नेक नमाजी बंदा था और सारी ज़िंदगी उसने मदीने पाक में गुजारी, तो उसने तो नहीं कहा था हमें भाई आप यूट्यूब बना लें, या सितारा को कहा या सलमा को कहा फिर हम उसका बाप का नाम बदनाम करूँ, उसने तो नहीं कहा। तो इसलिए हमने कहा भाई वो जो है ना उसका नाम बताना छोड़ दें। तो ये देखें, ये भी आ गई मेरे पास, क्या हाल है? ठीक है। तो खैर आप लोगों के साथ भी बातें शेयर कर रहा था मैं, अभी मेरे बड़े भाई को गाली देना छोड़ दें। कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज भी जो मेरी माएँ बहनें हैं
मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई मेरे बड़े भाई को गाली देना छोड़ दे। हाँ तो अच्छा तो जी आज पूछते हैं ना, हाँ ना क्या है, ठीक हो? हाँ। अबू की याद आ रही है? हाँ। हाँ? अच्छा जी कपड़े पहन के आ गए, मैंने बोला अभी चल रहे हैं, कल भी मैंने इसे धोखा दिया और आज भी मैं कह रहा हूँ बच्चे चलना है मेले पर, चलना है? हाँ। या अबू के पास चले? हाँ। अबू के पास चले? हाँ। चलो ठीक है, मैं तुम तैयारी करो। कहाँ चलना है? शिमू, शिमू को भी ले चुके चलते हैं आपको भी, ठीक है? हाँ। ठीक है ठीक हाँ। ठीक है ओके मेरे प्यारा बेटा, मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, घुमाता हूँ फिराता हूँ, ठीक है ओके। अच्छा जी इसको आज भी मैं धोखा दूंगा क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्मी है आजकल, इधर बहुत धूप निकली हुई, तो इसको नहीं लेके जा सकता, तो बस इसे दिलासे देता हूँ और ले नहीं जाता भाई इसे मैं। ओए होए होए इसके काम चेक करें बस आप। ओए होए होए ये ना, अच्छा चलो भाग 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 भी भाग कुछ जा रहे हैं। अच्छा भाई तो सब तरह के चाहने वाले सब उसके सब्सक्राइबर और हमारे एक साथ है, एक ही हैं, तो अभी शादी सही सलामत हो गई है। जो कह रहे थे कि भाई मैं 17 तारीख को ये कर दूंगा वो कर दूंगा और लाइफें चमकाई जा रही थी कि लड़की की उम्र पूरी नहीं है फलां, ये भी निकाह भी हो गया अब शादी भी हो गई, तो भी सबको मुबारक हो, तो कितना अफवाहें फैलाई जा रही थी भी ये हो रहा जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अल्लाह के करम से भाई किसी की खुशी को तो खुशी करने दे भाई, अगर किसी की खुशी है तो उस पर तो ना तंज किया करें। तो खैर अल्लाह के करम से उनकी शादी भी होगी, सब आप लोगों को भी मुबारक हो, बच्ची वालों को भी मुबारक हो, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत मतलब लोग बने और भाई कितना जो है ना लोग खुश थे शादी वाले भी और सब, तो भाई एक महीना पूरा तो ये बात चली, विस्तारा ने यूँ कर दिया, छोटी उम्र की बच्ची थी ज़बरदस्ती शादी कर रही है, पैसे दिला के कर रही है, तो ये आपके सामने आ गया है कि भाई खुशी थे आप लोग के रिश्ते थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कुछ भी नहीं था, वो देखो ना नाच रहे थे घूम रहे थे फिर रहे थे शादी वाले, तो ये शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, तो ये अगर ज़बरदस्ती होती तो फिर कैसे आप लोग सब व्लॉग देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की शादी हो गई, तो ये थी जी इन लोगों का ख्वाहें भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्ची की उम्र थोड़ी है फलाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की उम्र भी पूरी थी, बाकी चाह अपना 24 तारीख को चल रही है बात भी केस की, तो इंशाल्लाह वो भी सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने बहुत ज़ोर लगाया हुआ है भाई इस केस पर भी, तो देखो ना पहले कुछ चलाया अभी कुछ चलाया अभी फिर केस, तो अल्लाह करम करेगा वो केस भी सब आपके सामने होगा, व्लॉग भी बनेंगे सबको होगा, तो किस बिना पर केस है वो भी आपके सामने आ जाएगा, तो किन लोगों ने कराया केस क्यों कराया तो वो भी आपके सामने आएगा, तो ये तो मैं आपको बताता चलूँ भाई, ये सलमा और असगर की मेहरबानी है केस कराने में, तो भाई चलो अल्लाह करम करेगा ये भी आप आजमाइश करके देख लें। और दूसरी बात कुछ कह रहे हैं भी सितारा बेटी का चैनल चला जाएगा, वो भी अल्लाह के करम से इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी सितारा ने ना किसी के थम लगाए ना किसी की बुराई की है ना कुछ किया है, तो भाई यूट्यूब ये चीज़ें नहीं मांगता भी कोई उठ के केस कर दे और उसका चैनल चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा, तो चैनल उसका भी नहीं जा सकता अल्लाह के करम से, चैनल उसका बंद नहीं होगा, तो आप लोगों की दुआएं साथ हैं हमारे और सारा बेटी के, तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा, तो आप परेशान ना हो केस में भी कुछ नहीं होने वाला, और जैसे शादी में कुछ नहीं था ऐसे केस में भी कुछ नहीं है, तो आप लोगों की दुआएँ जैसे हैं सारा बेटी के साथ ऐसे दुआएँ में याद रखिएगा, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टाटा।